दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। गुजरी बाजार स्थित 200 से भी अधिक वर्ष पुराने प्राचीन राम मंदिर में राम स्तंभ की एक बार फिर चर्चा हो रही है। सोमवार को अयोध्या में बने राम मंदिर में प्रभु श्री राम प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल के मौके पर राम स्तंभ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वर्ष 2006 में कई धर्मानुष्ठान, पूजन विधियों तथा विशाल यज्ञ के साथ 201 करोड़ श्री राम नाम का ध्यान करते हुए उसके दशांश की आहुतियाँ डलवाई गई थी। यह आयोजन श्री राम नवमी के दिन ठीक 9 बजे विशाल जन समुदाय के साथ 9 मंजिला स्तंभ में श्री राम नाम लिखित पुस्तिकाओं को समाहित कर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस राम स्तंभ की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शुभांक 9 का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री राम मंदिर के शिखर की जमीन से ऊंचाई 45 फुट है, स्तंभ की ऊंचाई 72 फीट है, अर्थात 7 × 2 = 9 है। प्रत्येक मंजिल का वर्ग फिट 9 ही आता है। प्रत्येक मंजिल में श्री राम नाम लिखित पुस्तिकाओं की संख्या 9 में ही रखा गया है। प्रत्येक मंजिल पर एक दिशा में 9 राम नाम मार्बल पर खुदे हैं, जो कि 9 इंच के ही है। स्तंभ एक चबूतरे पर बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई मनुष्य की नाभि से ऊपर है तथा लंबाई चौड़ाई 9 फुट 9 इंच की है। इस चबूतरे पर श्री राम के चरण स्थापित है, जो 9 इंच के ही है। अयोध्या में श्री राम जी दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर टेकड़ीवाड़ हनुमान मंदिर में हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत रविवार शाम को शहर में शोभा यात्रा निकालकर की गई। शोभा यात्रा में दिंडी श्री गुरुदेव सेवा मंडल और श्री गुरुदेव अखंड रामायण सत्संग मंडल ने भजन कीर्तन गाकर भक्तिमय वातावरण तैयार किया। शोभा यात्रा गुजरी बाजार चौक से ब्राह्मणी के रास्ते मुख्य मार्ग होते हुए तीनशेर चौक, जयस्तंभ चौक से होकर टिकड़ी वार्ड में संपन्न हुई। 22 जनवरी को हरिभक्त परायण श्री चिंतामन महाराज गुरुवे द्वारा संकीर्तन की प्रस्तुति दी जाएगी। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर में सोमवार को विराजने जा रहे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर भगवामय हो गया है। शहर के प्रमुख चौराहों के साथ ही अंचल को भगवामय पताकाओं से सजाया गया है। दुकानदारों सहित राम भक्तों ने भवनों पर श्री राम के झंडे लगाकर भावनाएं व्यक्त की जा रही है। वर्षों बाद सोमवार को अयोध्या में रामलला विराजेंगे। इस ऐतिहासिक दिन का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। इस स्वप्न के पूरे होने पर उत्साह के साथ इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाएगा।